नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री वल्लभाचार्य जी की जीवनी। आचार्यपाद श्री वल्लभ का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण को चंपारण में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट जी और माता का नाम श्री यल्लम्मा था। ये उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज दक्षिण के काकखाड़ नाम के गांव में रहते थे। आपका गोत्र भरद्वाज और सूत्र आप स्तंभ था। भरद्वाज, आयास्य, अंगिरस ये तीन इस गोत्र के प्रवर है। लक्ष्मण भट्ट जी की सातवीं पीढ़ी से लेकर सभी लोग सोमयज्ञ करते चले आए थे। कहा जाता है कि जिसके वंश में 100 सोमयज्ञ पूरे होते हैं उसके कुल में भगवान या भगवतीय महापुरुष का आविर्भाव होता है। इस नियमानुसार श्री लक्ष्मण भट्ट जी के काल में 100 सोमयज्ञ पूर्ण होने से श्री वल्लभाचार्य के रूप में भगवान आपके यहाँ प्रकट हुए। बहुत से महानुभाव इन्हें अग्निदेव का अवतार मानते हैं। सोमयज्ञ की पूर्ति के उपलक्ष में 100,000 ब्राह्मण भोज काशी में जाकर कराने के लिए लक्ष्मण भट्ट जी सहपत्नी घर से चले थे। रास्ते में चंपारण में श्री वल्लभ का जन्म हो गया। ये भट्ट जी के द्वितीय पुत्र थे। आपके यथा समय द्विजाति संस्कार हुए। काशी में आपने श्री माधवेंद्रपुरी से वेद शास्त्र आदि का पूर्ण अध्ययन समाप्त कर लिया था। 11 वर्ष की अवस्था में ही आपने अध्ययन समाप्त कर लिया था। काशी से आप वृंदावन चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद तीर्थाटन के लिए रवाना हुए। आपने विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर वहाँ बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। वहीं पर इन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। राजा ने सब महामान्य विद्वानों के सामने श्री वल्लभाचार्य को स्वर्ण सिंहासन पर इनका सांगोपांग पूजन किया और बहुत सा सोना भेंट किया। उस समय आपने उसमें से कुछ ही भाग लेकर शेष सब वहां के विद्वानों और ब्राह्मणों में बांट दिया। इससे आपका त्याग भाव प्रत्यक्ष है। राजा कृष्णदेव ने सन 1509 से लेकर 1530 तक राज्य किया। इससे मालूम होता है श्री वल्लभ ईसवी सन की 16वीं शताब्दी के आरंभ में वर्तमान थे। श्री वल्लभ विजयनगर से चलकर उज्जैन आए और वहां शिप्रा नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे निवास किया। वह स्थान आज भी उनकी बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा के घाट चुनार के पास एवं और भी विभिन्न स्थानों में उनकी बैठकें अद्यावधि विद्यमान हैं और उनके वंशज गोस्वामीगण उनका प्रबंध करते हैं। आचार्य ने वृंदावन एवं गिरिराज आदि में रहकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी आराधना की। अनेक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिए। इनकी अष्टयाम सेवा बड़ी ही सुंदर है। उसमें माधुर्य भाव का बड़ा सुंदर प्रकाश हुआ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें वात्सल्य भाव से उपासना करने व प्रचार करने की आज्ञा दी। इनके जीवन में एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि मानते हैं। परंतु एक महान
भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का इतना ऊंचा स्थान नहीं है जितना उनकी अनन्य भक्ति का है, अतः उनकी विशेष चर्चा नहीं की जाती। एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों को एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शिला को अच्छी और प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह की भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ खड़े हुए एवं अकड़कर प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम को रखकर रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखकर पता चला कि शालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई है। तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य चरणों में क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा। ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों हो गई। आचार्य ने बहुत से ग्रंथों की रचना की, उनमें अब तक कई अप्रकाशित है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इनका पुत्र बनने की इच्छा प्रकट की, जिससे 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विवाह किया और श्री विट्ठल के रूप में स्वयं विट्ठल भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। आचार्य चरण श्री चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक थे और उनसे मिले भी थे। श्री वल्लभ के परमधाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी में रहते थे। अपने जीवन के कार्य समाप्त कर वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। जहाँ पर वे स्नान कर रहे थे, वहाँ से एक ज्योति शिखा उठी और बहुत से आदमियों के सामने श्री वल्लभ सदेह ऊपर उठने लगे और लोगों के देखते ही देखते आकाश में लीन हो गए। हनुमान घाट पर उनका एक मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार विक्रम संवत 1587 में 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान की आज्ञा अनुसार अलौकिक ढंग से ही लीला का संवरण की। धन्यवाद।